अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फैज़ा वलीद फूड एंड व्लॉग्स। आज मैं लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी रेसिपी, बच्चों की फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज, जो सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं है, जो खाने में बहुत खस्ता है और जायके में बहुत ज़बरदस्त है। हर बच्चे की ये फेवरेट कुकीज़ हैं, तो बहुत ईजी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। उम्मीद करती हूँ ये इजी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। जी, ये बच्चों की फेवरेट कुकीज़ होते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई करें। तो चलें जी, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, हमने डो के लिए सबसे पहले लिया है 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 ड्रॉप वनीला एसेंस, घी या बटर आपने 1 कप से थोड़ा सा कम लेना है, 1/2 कप आपने शुगर लेनी है, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लेना है, 2 टेबल स्पून हम लेंगे चॉकलेट चिप, 1 बाउल लेंगे, उसमें घी डाल देंगे और उसमें अब हम शुगर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से हमने करना है मिक्स। इसको जब तक हमने करना है मिक्स, जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। तो जी, ये अच्छे से हमारा हो चुका है मिक्स। अब हम एक छन्नी ले लेंगे और उसमें 1 कप मैदा डालेंगे और उसको अच्छे से छान लेंगे। ये प्रोसेस करना मस्ट होता है, इससे हमारे कुकीज़ हो या केक हो बहुत अच्छे से बन के रेडी होते हैं। तो जी, अब इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर, साथ में इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हाथ की मदद से उसको एक डो फॉर्म में गूंद लेंगे। जी, हमारा हो गया ये मिक्स। मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा हमें दूध ऐड करना है, एकदम से दूध नहीं डालना है वरना ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। साथ में हम 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डालेंगे, साथ में चॉकलेट चिप डाल देंगे और उसको अच्छे से गूंद लेंगे। डो को थोड़ा सा टाइट ही हमने गूंदना है। देख सकते हैं डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक कुकी बना के मैं आपको दिखाऊँगी, देखें कितनी ज़बरदस्त सी कुकी हमारी रेडी हुई है। चलें जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, मैंने ले लिया है कोई भी एक पैन, साथ में इसके ऊपर रख दिया है बटर पेपर। उसमें हम मीडियम साइज़ की कुकीज़ बनाएंगे। आप चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बनाऊँगी कुकीज़। तो जी, फटाफट से सारे कुकीज़ हम बना के रेडी कर लेंगे। ये कुकीज़ आपकी 30 से 40 मिनट्स में रेडी हो जाती हैं। तो जी, हमने बनाई है बगैर अंडे की कुकीज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये इजी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जी, सारे कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर तो उसे चॉकलेट चिप स्प्रिंकल कर लेंगे। चॉकलेट आप जितनी भी मज़ीद लगा लें, बच्चों को फिर भी कम लगती है, क्योंकि बच्चों के ये ऑल टाइम फेवरेट कुकीज़ होते हैं। मैं ये कुकीज़ आपको ओवन में आज नहीं बेक करूँगी, आज मैं इसको नॉन स्टिक पैन में बेक करके आपको दिखाऊँगी। जी, हमारे कुकीज़ रेडी टू बेक हो चुके हैं। अब मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिया है, जिसको हमने प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट्स। तो जी, अब हम कुकीज़ इसमें रख देंगे और 30 मिनट तक इसको बेक करेंगे। बस इतना ख्याल रखना है कि इतनी सी भी एयर बाहर ना आए। तो जी, आफ्टर 30 मिनट्स हमारे कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो उसको 5 से 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी। हमारे कुकीज़ ठंडे हो चुके हैं, तो अब आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लुक आया है। चलें जी, मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितना खस्ता बन के रेडी हुए हैं। जी, ये देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये खस्ता से कुकीज़।
विदाउट एग हमने बनाए हैं। तो जिस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा, खाए पिए और मज़े करें। चले जी, अब हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। अस्सलाम फ्रेंड, आज मेरी मम्मा ने बनाए बिस्किट, दिखने में तो बहुत मजे के लग रहे हैं। चले टेस्ट करके खाते। बिस्मिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक हिट बटन, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिल जाए।